Welcome to my channel. Crystal Clear with Sanjeev. Welcome to our podcast series discussing various aspects from the book How I Became a Hindu by Sitaram Goyal. अगर पार्टीशन के नजरिए से देखें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम एक गलत लीडर के पीछे चल रहे थे? नहीं, ये तो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, पर हाँ वो तो है ही कि देखें, इन्स एंड आउट तो सभी के होते हैं ना। मतलब आप अगर किसी भी लीडर को आप लेके चलेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। अगर आज की समस्या को आप ध्यान में रखें तो आपको गांधी सबसे खराब लीडर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो सारी समस्या है वो उसी दिमाग की उपज है ना कि हम टू नेशन थियरी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे ना कि भाई माइनस दिस वी एक्सेप्ट के टू नेशन जो है वो भाई ऑल द इंडिक रिलीजन्स हु वांट्स टू स्टे इन इंडिया दैट दे हैव ऑल देयर कॉमन इंटरेस्ट। बाकी अगर चूंकि एक डिमांड हमने कंसीड कर दिया है मुस्लिम के लिए पाकिस्तान, तो ओके दैट इज ओके, हम ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन पीसफुली करेंगे, मारधाड़ से नहीं, पीसफुली कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब हुआ कि आज देखिए, और फिर उन्हीं की मानसिकता के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग भी हुई, क्योंकि आखिर कांग्रेस भी तो उसी मानसिकता से ग्रस्त हो चुकी थी। और लेटर आपने देख लिया उसका नतीजा कि जो एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी क्रिएट हो के आज देखिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अगर आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो गांधी कितने इररिलेवेंट और मतलब कितने ही जो है उनके सारे एक्टिविटीज जो है आपको लगेंगे कि कितने निराधार हैं। हाँ, पर फिर उस दौर में जाके देखेंगे कि उनके क्या चैलेंजेस थे और उस समय क्या रोल प्लेयर्स थे, तो उस हिसाब से फिर आप उनके अलग मेरिट और डिमेरिट को देख सकते हैं। ये गांधी की सबसे बड़ी समस्या रही कि उन्होंने हाईजैक कर लिया सारे मूवमेंट को, और ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है अगर मैं उनको पूरा पढ़ता हूँ तो। पर बाकी ये भी है कि गांधी ने किसी को रोका तो था नहीं कि आप आ जाओ, है ना, कोई भी आ सकता था। बट ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक। सो व्हेन समवन कैप्चर्स द इमेजिनेशन, अब आज कोई मोदी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करे कि पूरा हिंदुस्तान उसको चाहता है, तो ये इसमें मोदी की गलती नहीं है ना। अच्छा, गांधी जी के फॉल्टी सेक्युलरिज्म और ये रोमांटिक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसके बारे में सर आपका क्या कहना रहेगा? गांधी की जो रीडिंग थी हिंदू माइंड की वो बहुत परफेक्ट थी, लेकिन गांधी की जो मुस्लिम रीडिंग थी वो बहुत ही गलत थी। इनफैक्ट मुस्लिम रीडिंग कहा जाए तो हाफ ऑफ द टाइम में जाके उन्होंने समझ तो लिया था, लेकिन फिर वही कहते हैं ना, कंसीड करना ग्राउंड को, पॉलिटिकली सोचना और एक उस एस्पेक्ट में एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट में जाके सोचना, गांधी का अगर आप पूरा देखेंगे 1920s ऑनवर्ड्स खिलाफत मूवमेंट से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी की मुस्लिम रीडिंग कितनी गलत थी। और जिस तरह से खिलाफत मूवमेंट में उलेमाओं के साथ वो मिलके वो चाह रहे थे कि हम एक बहुत बड़ा एंटी ब्रिटिश मूवमेंट खड़ा कर लेंगे, दैट वाज अ कंप्लीट अटर फेलियर। और उसने वो कम्युनलिज्म को हवा दिया जिसको गांधी बाद में समझ गया कायदे से, लेकिन उसके बावजूद भी ही कुड नॉट डू एनीथिंग। और उसके बाद फिर आप देखिए कि वही रोमांटिसाइजेशन बना रहा एंड तक 1947 तक। मैंने इसीलिए कह रहा हूं ना कि अगर आप उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो वी कैन डिस्कस एवरीथिंग अबाउट गांधी एंड वी कैन श्रेड द कैरेक्टर एंटायरली। आप देखें कि 1923 में यही गांधी जो उलेमाओं के साथ जो है मंच शेयर कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट में और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, अपने सेक्रेटरी को खुद कहते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम हैं वो तो बुली हैं, ये तो इनसे तो कुछ भी नहीं, वो मतलब मेरी गलती थी कि मैंने हिंदुओं से कहा कि भाई आप यूनिटी बनाओ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत को जोड़ो। आज जब मैं पूरे देश में दंगे होता देख रहा हूं, हिंदुओं को डिफेंसलेस पा रहा हूं, असहाय देखता हूं, तो मेरा कलेजा जो है वो कचोट रहा है। But knowing this, when your future political actions again goes back to the same appeasement, conceding the ground and losing the Hindu cause, तो फिर वो question mark create कर देता है कि what sort of personality you are. Sir, मैं book से और ये book के discussion से थोड़ा deviate करना चाहती हूँ यहाँ पे, पर क्योंकि हम बार बार history and history writing की बात कर रहे हैं, do you think our history has been written as history of our defeats or has it been portrayed like that to us? नहीं नहीं, हमने जीत हासिल भले ना की हो, हमने कंप्लीट रेजिस्टेंस रखा है। एक हिस्ट्री में ना हम लोग कभी भी इमोशनल ना हो,
आप देखिए, मैं आपको एक एक रेफरेंस बता देता हूँ, हम कहाँ से रेजिस्टेंस करते आ रहे हैं और आज मतलब उसका लास्ट भी मैं आपको बता दूंगा रेजिस्टेंस का. एंड वी नेवर सीज्ड फ्रॉम रेजिस्टिंग द मुस्लिम इन्वेजन एंड रूल. आप अलबेरुनी को उठा के देख लीजिए, आपको वहां भी मिल जाएगा वी हैव बीन रेजिस्टिंग. आप बर्नी के कंटेक्स्ट को, बर्नी जो जियाउद्दीन बर्नी उस समय का हिस्टोरियन था, कोर्ट हिस्टोरियन, वो आपको रेफरेंसेस देता है कि कहाँ कहाँ लोग जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं रूल को, रायट्स कर रहे हैं, इनके लीडर्स जो हैं हिंदू लीडर्स जो हैं वो रॉबरी कर रहे हैं, हाईवे पे आके जो है रेवेन्यू रोक लेते हैं. आपका जो इब्न बतूता आता है तुगलक पीरियड में, वो भी सेम रेफरेंसेस देता है कि ये हिंदू रूलर्स जो हैं छोटे छोटे या जो सरदार हैं हिंदू सरदार, अपने लोगों को लेके ये जंगलों में भाग जाते हैं, पहाड़ों पर भाग जाते हैं और ये सकम नहीं कर रहे हैं रूल से, ये रिवोल्ट करते हैं. वो एक जगह पूरा रेफरेंस देता है इनके साथ हुई लड़ाई का. तो उसके बाद फिर आप मुगल एरा में खुद जहांगीर जो है रेफरेंसेस दे रहा है आपको कि भाई ये देश तो कभी शांत होता ही नहीं है, एवरी मंथ एवरी सेकेंड मंथ जो है वो कोई ना कोई अपराइजिंग कहीं हो ही रहा होता है, इट इज सो डिफिकल्ट टू गवर्न. और वो 2 लाख जो इस तरह के लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ के वो ईरान के स्लेव मार्केट में बेच देता है. और फाइनली यू कम टू बाबर का रेफरेंस है, बाबर खुद ये रेफरेंस देता है जब वो आगरा पहुंचता है, बोलता है ये तो भाग गए सारे के सारे लोग जंगलों में, ये तो रेजिस्ट कर रहे हैं, ये तो जो है लड़ाई लड़ने वाले हैं, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे है जो जला दिया है, हटा दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है राशन पानी हमारे घोड़ों के लिए. और ये पावर ऑफ ये रेजिस्टेंस का रेफरेंस है ना. और फाइनली मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, जाट रेबेलियन, सतनामी रेबेलियन, क्या है ये रेजिस्टेंस है. तो थ्रू आउट 800 इयर्स वी हैव रेजिस्टेड. सो आर स्टोरी इज नॉट द स्टोरी ऑफ लॉस, आर स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुस्लिम रूल. दैट इज द मोटो जहां हमको फोकस करना चाहिए. आप बोलेंगे ना कि हमारा क्या, जैसे वो उन्होंने विक्रम संपत जी ने बोला था ना कि भाई या सान्याल साहब ने बोला था कि आर हिस्ट्री हैज बीन रिटन एज हिस्ट्री ऑफ डिफीट्स. एंड तो वो सामने वाला बोल देगा कि तुम तो यार जीते ही नहीं, तो तुम्हारे डिफीट का ना लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे. लेकिन समस्या ये है कि हमारे डिफीट का मत करो. देखो डिफीट तो विलेन का होता है ना, आप जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें एक हीरो होता है, प्रोटागोनिस्ट होता है. आपने इंडिया की हिस्ट्री में, खासकर मिडिवल हिस्ट्री में, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हीरो के रूप में रखा ही नहीं है. तो आप कहोगे कि हीरो के तो कुछ तो अच्छे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं तब तो उसको रखेंगे. तो भाई हमारा पॉजिटिव एट्रीब्यूट है रेजिस्टेंस का, वी हैव रेजिस्टेड थ्रू आउट एंड वी वन द वॉर अल्टीमेटली. आप बताइए कि ब्रिटिशर्स ने किसको रिप्लेस किया? ब्रिटिशर्स ने मराठों को रिप्लेस किया है भाई, ब्रिटिशर्स ने सिखों को रिप्लेस किया. कुछ पॉकेट्स में वो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स और निजाम को जो है रिप्लेस किया है, बंगाल में मुस्लिम को रिप्लेस किया, हैदराबाद में और मैसूर में, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री अगर आप बिगर पिक्चर को देखिए तो इट वाज मराठास एंड सिख. तो ये थी हमारी, ये है हमारी कहानी. सर मुझे ना बुक का टाइटल ही डिस्कस करना है आपके साथ. बुक का टाइटल है हाउ आई बिकेम अ हिंदू, बट मेरा क्वेश्चन है कि Why he became a Hindu? Yeah, say why did he become a cultural nationalist? For Sitaram Goyal, what he is trying to point out, wherever he went, he found a deep aversion of Hinduism, either in social sense or in political sense. He is not negating that India was not in a condition जहाँ पे ये सारी ideology ना पनपे, जैसे communism जरूरी था India में अगर आप देखें क्योंकि हमारे social condition ऐसे थे. पर communism का condition जो बाद में political conditions हैं वो आप देखिए कि वो क्या चाहता है. They have मतलब आप हिंदुइज्म को तो वो completely negate करता है और political realm में भी अगर आप देखेंगे तो there are so many problems. गांधी जी को अगर आप देखेंगे तो वो हिमायती हैं जरूर सनातन धर्म के, लेकिन पॉलिटिकल हिंदू को कहीं वो मार्जिनलाइज करते हैं, ये लेटर ऑन चैप्टर्स में आपको मिलेगा. तो ये जिस जिस में भी गए, आर्य समाज में गए तो वहां वो उन्हें नैरो व्यू दिखा एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का, गांधीयन में उन्हें पॉलिटिकल हिंदू को सैक्रिफाइस करते हुए दिखा, कम्युनिस्ट में क्लास स्ट्रगल करके पूरे समाज को जो है वो डिस्ट्रॉय करने जैसा इनको दिखा और वो पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है. तो इन सब चीज से निकल के वो फाइनली इन सबको अडॉप्ट करते हैं और छोड़ भी देते हैं. तो वो अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं हाउ आई बिकेम अ हिंदू. तो दैट आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट. So, you know, going through this book, it is very clear that Sitaram Goyalji was a Gandhian at one point in time.
बट ही सीम्स टू बी डिसिल्यूजन्ड बाय कांग्रेस से पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो हाउ इज द कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस डिफरेंट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस? सी, कांग्रेस मूवमेंट जो प्री इंडिपेंडेंस का है, इट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो किसी एक मूवमेंट में होना चाहिए. दैट्स व्हाई कांग्रेस वाज सो सक्सेसफुल, चाहे आप सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे देखें. आज की कांग्रेस ने गांधी टाइटल ले लिया, लेकिन व्हाट दे मिस्ड आउट फ्रॉम गांधी, उन्होंने गांधी का फॉल्टी सेक्युलरिज्म ले लिया, गांधी का टाइटल ले लिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया तो वो सनातन धर्म का जो वो गांधी ने एक एक बना के रखा था कि दिस इज द मेजोरिटेरियन व्यू. देखिए, किसी भी कंट्री में आप मेजोरिटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आए हैं जो एक लिमिटेड माइनॉरिटी को सूद करेगी और मैक्सिमम जो मेजोरिटी है उसको डिसरिगार्ड करेगी. तो इसीलिए गांधी वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड कांग्रेस पोस्ट पार्टीशन वो गांधी के ही प्लेटफॉर्म का बिल्डिंग था जो आगे आपको 40-50 साल तक काम करता रहा. बट अल्टीमेटली इट फेल्ड बिकॉज एट द कोर ऑफ कांग्रेस आइडियोलॉजी सनातन धर्म, नॉट सनातन धर्म, द मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट होना चाहिए था, वो मिसिंग है. सब बहुत सारे लोगों ने और फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि सीताराम गोयल जी की बुक्स पढ़िए, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट थैंक यू, बिकॉज आपने जिस तरह से बुक एक्सप्लेन की है, इतना अच्छे से आपने इतने सारे पहलू क्लियरली समझाए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस बुक सो क्लियरली एंड सो ब्यूटिफुली. नहीं नहीं थैंक यू आकांक्षा जी. देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये किताब मैंने 2006 में पढ़ी थी. सिर्फ यही किताब नहीं, मैंने सीताराम गोयल जी और राम स्वरूप जी के सभी किताबों को 2006, 2007, 2008 में पढ़ी थी. इट वाज वेरी एनलाइटनिंग एंड रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम. मैंने जब ये पढ़ा था वो उस समय उतना रेलेवेंट नहीं था जितना बाद में जाके मुझे समझ आया कि ये कितना रेलेवेंट होता जा रहा है. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इन्हीं लोगों को पढ़ा है, मैं जितने भी वामपंथी हिस्टोरियंस हैं उनकी किताबों को बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है. उनकी किताबों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ गलत ही लिखा है, लेकिन वो पूरा जो एजेंडा है वो एजेंडा भी हमें समझ में आता है.